वक्त पर पीठ दिखाकर भागने वाले पाकिस्तान ने भारत पर बातचीत से भागने का आरोप लगाया है। भारत पर आरोप लगाया है पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने। पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि भारत से बातचीत फिर बहाल करने के लिए पाकिस्तान की तमाम कोशिशों और पठानकोट हमले में संयुक्त जांच के प्रस्ताव के बावजूद विदेश सचिव स्तर की वार्ता अभी भी स्थगित है। पाकिस्तान इसके लिए चिंतित है। कश्मीर को तनाव की मुख्य वजह बताते हुए उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में तनाव की मुख्य वजह कश्मीर मसला है। ये विभाजन का एक ऐसा एजेंडा है जो पूरा नहीं हुआ है। कश्मीर मुद्दा जब तक वहाँ के लोगों की इच्छा और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक सुलझाया नहीं जाता, क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है और सभी देशों के साथ दोस्ताना संबंधों के आधार पर अपनी विदेश नीति बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम किसी देश के प्रति आक्रामक नहीं होना चाहते। साथ ही उन्होंने चीन के साथ दोस्ताना संबंधों की भी चर्चा की।